हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल यार। वीकली मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ अपनी लाइफ की। तो यार इस बार मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने वाला हूँ अपने क्रश की, अपनी पहली गर्लफ्रेंड की। मगर क्यों यार, ऐसा करोगे मेरे साथ? सुन लो ना प्लीज। नहीं प्लीज नहीं। क्या इतना बुरा हूँ मैं मानो। मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। तुम्हें स्टोरी सुनाओ। ओके आ जाओ, फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात सदियों पुरानी बहुत पुरानी नहीं है। मैं तब 9th क्लास में था। मैं एक चोमू था, अपने में मस्त, पढ़ने में अच्छा, टीचर्स का फेवरेट बच्चा, और हाँ मैं स्पोर्ट्स कैप्टन भी था। और लड़कियां तो पहले से सारी अच्छी लगती थी, पर सारी की सारी लड़कियां औकात से बाहर थी, और ये बात तुम्हारे भाई को बहुत अच्छे से बता थी। पर यार इसके बावजूद भी मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी। तो यार कभी कभार, या फिर तुम कह सकते हो कि हमेशा ही, मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसे देख लिया करता था। तो मैं 9th ए में था, थोड़ा पढ़ने में अच्छा था, और मेरी क्रश, जिसे हम कहेंगे गुलाब जामुन, वो थी 9th बी में। वो पढ़ने में उसके पैर टूटे हुए थे, पर हाँ दिखने में सुंदर थी और स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी। और एक मेरा दोस्त था जिसको हम इस स्टोरी में कहेंगे आम, पर यार वो हरकतों से बिल्कुल भी आम नहीं था। वो स्कूल का सबसे बड़ा कैसोनोवा था। तो वो मेरे घर के साथ में रहता था, तो हम दोनों स्कूल आना और जाना एक साथ करते थे। स्कूल पहुंचते वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। उसकी टीचर से नहीं बनती थी, मेरी लड़कियों से नहीं बनती थी। मेरी टीचर से बनती थी और उसकी सिर्फ लड़कियों से बनती थी। और दोस्तों आज तक लड़कियों से बात तो हुई नहीं थी, करना मैं हमेशा चाहता था पर आज तक हुई नहीं थी। पर इस साल कुछ ऐसा हुआ, भगवान ने सुन ली मेरी और मेरी क्रश को ही मेरी लाइफ में भेज दिया। मतलब अब मेरी भी लाइफ इंटरेस्टिंग थी यार। एक वजह थी स्कूल जाने की, अब एक मजा था स्कूल जाने में, और अब तो मैं रोज के रोज नहाकर स्कूल जा रहा था क्योंकि एक मेरे पास वजह थी। और ये सब हुआ ऐसे, एक दिन लंच ब्रेक हो रही थी, आम मेरे पास आया, उसने मेरे हाथ में एक लव लेटर रख दिया और कहता जो 9th बी की गुलाब जामुन है ना, उसने ये तेरे लिए दिया। जितनी देर मैं सोचता है उसको कुछ कहता हूँ, सीरियस मोड में वहां से चला ही गया। इतना तो मुझे पता था कि ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की मुझे लव लेटर दे। तो मैं बस यही सोचने लग गया कि यार अगर ये मेरा बेवकूफ भी बना रहा है, तो इसने सिर्फ और सिर्फ गुलाब का नाम क्यों लिया, किसी और का नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि मुझे गुलाब पसंद है। और अपन लोग क्या करते हैं कि हमें लड़कियां तो देखती नहीं है, तो अब हम भी लड़कियों को इसलिए नहीं देखते क्योंकि हमें लड़कियां पसंद ही नहीं है, हमने लड़कियां पटानी नहीं, इसलिए हम भी नहीं देखते, हमारा स्वैग है, हम ऐसे करके चलते हैं। तो बस मैं कंफ्यूज था कि इसने गुलाब का नाम ही क्यों लिया, किसी और का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जोक था ये मैं जानता था। तो अब हम घर जा रहे थे, आम ने मुझसे पूछा कि तूने गुलाब से बात करी, गुलाब ने तेरे को लेटर दिया था जो उसकी रिगार्डिंग। मैंने कहा भाई तू मेरा पागल क्यों बना रहा है, ये तो मेरा पागल बना रहा है तो भाई बता दे, ये मजाक नहीं है। तो उसने कहा भाई मैं तेरा मजाक नहीं बना रहा हूँ, ये सच है, गुलाब ने मुझे लेटर दिया था तुझे देने के लिए। और मैंने उसे वहाँ पर इग्नोर करा और हम घर चले गए। अब इसके बाद हफ्ता बीता, दो हफ्ते बीते, एक महीना बीत गया, और वो रोज मुझे लेटर दिए जा रहा है कि तेरे को गुलाब लेटर दे रही है, जा बात कर। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही बात करने की, गुलाब मेरे से आगे खुद बात नहीं कर रही। अब जब मैं गुलाब को देखता हूँ वो ऐसे मुड़ जाती है जैसे मैं उसको छेड़ रहा हूँ, या वो मेरे चाकू मार देगी, या मैं कोई क्रिमिनल हूँ, और मैं अपनी कन्फ्यूजन में घूम रहा हूँ। पर यार अब मेरा भी इंटरेस्ट होने लग गया था, मुझे भी मजा आने लग गया था। अब मैं और राम क्या करते थे, इसके घर की गेड़ियाँ मारते थे। पर यार मुझे समझ नहीं आता था, जब गेड़ियाँ मारते थे ये एक बार मुड़ के नहीं देखती थी, और हम सिर्फ जाते थे और आ जाते थे। तो मैंने एक दिन राम से पूछ लिया, मैंने कहा इधर इधर मुझे एक बात बता, तू लेटर जब लेकर आता है मेरे सामने कभी वो तेरे को देती नहीं है, तू जब भी लेकर आता है तो सिर्फ तू अकेले गुफासी में मुझे आकर ये पकड़ा देता है, मुझे एक बात बता, ये तू सब झूठ कह रहा है सच कह रहा है? तो उसने मुझे सिर्फ इतना कहा भाई तू मेरी बात मान क्यों नहीं रहा, उसी ने दिया है। और मैं फिर अभी भी कन्फ्यूजन में हूँ कि ये सच है झूठ है, साला कोई तो क्लियर करो। और तुम लोग मानोगे नहीं, यही चीज़ चलते चलते एक साल बीत चुका था, हम 10th में प्रमोट हो चुके, तो इनफैक्ट 10th भी आधी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। और एक दिन क्या हुआ, तुम मानोगे नहीं, लंच ब्रेक चल रहा था, गुलाब मेरी तरफ चलती हुई आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो चलने लग गई, और मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लग गया, और उसने कुछ भी नहीं कहा। और 10-15-20 मिनट के सन्नाटे के बाद उसने एक चीज़ कही, अंकित तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? और मेरी फटी पड़ी थी, आज से पहले जिस लौंडे को एक भी लड़की ने देखा तक नहीं था, उसका हाथ पकड़ा एक लड़की ने, वो भी उसने जिसको वो पसंद करता है। मैं तो बस नीचे मुंह करके चले जा रहा था, मैंने सिर्फ इतना कहा नहीं, और हम पूरी लंच ब्रेक इधर से उधर बस घूमते रहे, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मैं बस नीचे मुंह करके चल रहा था, और आखिरी में जैसे लंच ब्रेक ओवर हुआ उसने बाय कहा और वो चली गई। और मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं सीधा आम के पास गया, उसके गले लगा, और मैंने उसको बताया आज मेरे पास गुलाब आई थी और वो मेरे साथ रही पूरा लंच ब्रेक। और मैंने उसको फाइनली कहा कि 1.5 साल से जो ये सब चल रहा था ये सच था, और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पर कहते हैं ना कि जिस लौंडे की किस्मत में कोई लौंडिया हुई ना, उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो ही जाती है। मेरी खुशियों को भी नज़र लगी, जिस खुशी को सिर्फ अभी कुछ चंद पल हुए थे
गुलाब को बहुत लड़के पसंद करते थे और उनमें से किसी चिरांद लौंडे ने गुलाब के भाई को ये बता दिया कि कोई लड़का है जो तेरी बहन का हाथ पकड़ के पूरी लंच ब्रेक में इधर से उधर घूम रहा था। मैं स्कूल ओवर होने के बाद अपनी साइकिल पे घर जा रहा था कि किसी ने मुझे धक्का दिया। मैं और मेरी साइकिल दोनों गिर गए। मैं तो उठ गया पर मेरी साइकिल गिरी रही। उसने मुझे मेरी कॉलर से पकड़ा और खींचा और एक ही क्वेश्चन पूछा, गुलाब को जानता है? और मैं समझ गया कि ये उसका भाई है या फिर उसका बॉयफ्रेंड है। और उसके सवाल खत्म होने से पहले मैंने बोल दिया, गुलाब कौन गुलाब? और उसने सिर्फ धीमी आवाज में कहा कि तू गुलाब को नहीं जानता ना, तो यही तेरे लिए बेहतर है, अगली बार आने का मौका मत दियो। और एक थप्पड़ मारा और चला गया। मैं बहुत शरीफ होता था और मैं बहुत ज्यादा डर गया था। और नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल आया लंच ब्रेक में, गुलाब मेरी तरफ आ रही थी, तो मैंने सिर्फ उसको इतना कहा कि कल तेरा भाई आया था और वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। और मैंने गुलाब से उसके बाद बात नहीं करी। और बस 2-3 हफ्ते ऐसे निकल गए, हमारी बात नहीं हुई। हमारे 10th के बोर्ड्स के एग्जाम थे, हमारा सेंटर किसी दूसरे स्कूल में बना, प्रेपरेशन में बिजी हो गए। उसके बाद हम दूसरे स्कूल में एग्जाम देने गए, कभी मिलना हुआ ही नहीं। रिजल्ट आउट हुआ, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। उस दिन के बाद मैं कभी भी गुलाब से मिला ही नहीं। तो यार मेरा फर्स्ट क्रश या फिर मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड, कुछ भी कह लो, बस इतना ही था। और यार तुम्हें अगर स्टोरी में मजा आया तो यार लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना अपनी अपनी स्टोरीज के बारे में भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखें।